राम राम। मैं पंडित एस के मिश्र इस वीडियो के माध्यम से वशीकरण का एक ऐसा प्रयोग लेकर के आया हूँ। यह प्रयोग अपने आप में प्रचंड रूप से असरदारी प्रयोग है और यह प्रयोग सदैव के लिए आपके प्रेम को आपके वशीकरण पास में, सम्मोहन पास में, आकर्षण पास में बांध देगा। यह प्रयोग जिस पर भी आप करेंगे वह सदैव के लिए आपके वशीभूत हो जाएगा। यह प्रयोग माताओं के लिए, बहनों के लिए है। अगर आपको लगता है कि आपके पति, आपके प्रेमी आपसे दूरियां बना रहा है, कारण कोई भी हो या उनका कुछ अन्यत्र संबंध है, अगर आपको ऐसा लगता है तो वहां इसका प्रयोग करिएगा। प्रायः कभी कभी माताओं बहनों की शिकायत होती है कि उनके पति का कहीं अदर संबंध है, अन्यत्र संबंध है, किसी पराये स्त्री की वह चुंगुल में हो करके उनसे दूरियां बना रहे हैं, जिसकी वजह से उनको काफ़ी क्लाइसिस का, क्लेश का सामना करना पड़ता है। उनके बीच में लड़ाई झगड़े, मनमुटाव की स्थितियां ऐसी हो जाती है कि उनको पता ही नहीं चलता उनका संबंध है भी कि नहीं भी है, ना मात्र का रिश्ता हो जाता है, कभी कभी तो तलाक तक की भी स्थितियां उत्पन्न हो जाती है। ईश्वर से मैं यही कामना करूंगा कि ऐसी विकट स्थिति, ऐसी दुरूह स्थिति, ऐसी दयनीय स्थिति ईश्वर ना करे भूल से भी किसी माता बहन के सर पे मंडराए। फिर भी अगर कोई समस्या है उसका समाधान भी है। यहाँ मैं जो प्रयोग लेकर के आया हूँ, यदि श्रद्धा भाव विश्वास के साथ इसका प्रयोग करते हैं तो अवश्य ही आपकी मनोकामना सदैव के लिए पूरी हो जाती है। जिसको भी आप चाहेंगी वह सदैव के लिए आपके वश में हो जाएगा। इस प्रयोग के माध्यम से किसी भी पुरुष को आप अपने वश में कर सकती हैं, मगर मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि कदापि हमारे द्वारा बताए गए इस प्रकार के प्रयोग का दुरुपयोग ना करें। किसी को ब्लैकमेल करने की नीयत से, चीट करने की नीयत से, हानि या क्षति पहुंचाने की नीयत से इसका दुरुपयोग ना करें। आपके जीवन में खुशियां मिलनी चाहिए, मगर किसी की खुशियां छीनने का आपको कदापि अधिकार नहीं है। अतः ऐसे प्रयोग का दुरुपयोग ना करें, जहां इसकी आवश्यकता है वहीं इसका प्रयोग करें। यदि आप किसी को दिल से चाहते हैं, दिल से लगाव है, विवाह संबंध बनाना चाहते हैं, या आप दंपति हैं और आपको लगता है कि आपके दाम्पत्य जीवन में इस प्रकार की दुरूह स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, या इस तरह की दुरूह स्थितियां न भी उत्पन्न हो और आप चाहती हैं कि आप लोग रिश्तों में प्रगाढ़ता पहले जैसी हो जाए या पहले से भी बेहतर हो जाए, तो वहाँ इसका प्रयोग करके अपने रिश्तों को आप बैलेंस करें। यह प्रयोग अपने आप में एक चमत्कारिक प्रयोग है, आजमाया हुआ प्रयोग है। जब भी आप कोई प्रयोग करने जाएं, तो अपनी एनर्जी को भलीभांति आपको जानना है। अगर वशीकरण पावर एनर्जी लेवल आपके शरीर में बहुतायत मात्रा में है, इंक्रीजिंग आर्डर में है, बैलेंस अवस्था में है, तो आप जो भी प्रयोग करेंगे उसमें तुरंत ही सफलता आपको मिल जाती है। मगर यहीं यदि डिक्रीजिंग आर्डर में है, अल्प अवस्था में है, वशीकरण पावर का अभाव है, तो किसी भी प्रयोग में आपको आसानी से सफलता नहीं मिलती है। हो सकता है कि कुछ समय अधिक लगे, मगर अगर आप एकाग्र भाव से कोई प्रयोग करती हैं तो अवश्य ही उसमें सफलता मिलती है। अतः आवश्यकता है कि अपने वशीकरण पावर को बढ़ाया जाए। इसके लिए कुछ छोटे छोटे प्रयोग हैं, छोटी छोटी साधनाएँ हैं जिसको आप अपने घर बैठे हमारे माध्यम से सीख सकते हैं। इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर मैं जो प्रयोग लेकर आया हूँ इसको भी आजमा के देखिएगा। यह अपने आप में असरदारी प्रयोग है, चमत्कारिक प्रयोग है। इस प्रयोग में आपको एक सुपारी की आवश्यकता है। एक सुपारी आपको लाना है और अपने इष्ट का स्मरण करना, उनसे मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। तत्पश्चात अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का भी आपको स्मरण करना है
और उनसे भी आपको मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लेना। और यदि आपके पास कोई आपके आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं है तो बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रति कृतज्ञता का अभाव, श्रद्धा का अभाव, विश्वास का अभाव और समर्पण का अभाव रखते हुए मुझसे ही मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर यह प्रक्रिया करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मुझसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स के नीचे आपको टाइप करना है कि मुझे आदेश दें, और यदि रिप्लाई में मैं आपको हार्ट का सिंबल या साइन देता हूं तो आप समझ जाइएगा कि आपको आदेश और आशीर्वाद मिल चुका है। इस प्रयोग को आप कर सकते हैं या कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में वही लोग कमेंट कर जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, आप लोगों सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रजस्वला के समय स्त्री अपने कपड़ों के साथ एक सुपारी को भी बांध ले, और ऐसा 6 माह तक करना है। जब भी रजस्वला हो तो एक सुपारी आपको बांध लेना है, फिर उसको कहीं रख देना है, उसी सुपारी को फिर से बांधना है कपड़ों के साथ। यह लगातार 6 माह करने के बाद इसको दूध से धो करके पान में या किसी भी खाने पीने की वस्तु में इसको मिला करके, इसको चूर्ण बना करके, चाहे जैसी इच्छा हो दे करके किसी को भी अगर आप खिला देंगे तो अवश्य ही सदैव के लिए आपके बस में हो जाएगा। मैंने आप भली बात समझाने का प्रयास किया है, आशा है आप लोग के समझ में आया होगा। फिर भी आप लोग के जीवन में कुछ इस प्रकार की समस्या है तो बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं। अपना तुरंत खींचा फोटो हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन कर सकता पढ़ने पर अपने भारतीय विद्याओं के माध्यम से आप लोग का उचित समाधान भी करूँगा। धन्यवाद। राम राम।